बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग एविटोर। दरअसल एविटोर का मतलब होता है हवाबाज, जो हवाई जहाज चलाता है। ऐसी ही एक है एविटोर की कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक माँ अपने बच्चे को नहला रही है और उसे अलग अलग बीमारियों के बारे में बता रही है। कहानी आगे बढ़ती है, एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। वहाँ पर फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं जिसका नाम हेवर्ड होता है। हेवर्ड एक ऐसी मूवी बना रहा होता है जो कि हवाई जहाज के उड़ान पर आधारित है और वो बहुत सारे जहाजों को एक ही समय पर उड़ा के उस सीन को शूट करना चाहता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हमें और दो कैमरों की जरूरत है। हेवर्ड कहता है कि खरीद लो, क्योंकि वो फिल्म के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता और उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, फिल्म पर लगा रहा है। उसका असिस्टेंट उसे एक जगह पर चलने को बोलता है, लेकिन हेवर्ड कहते हैं कि नहीं, वो जगह बीमारी से भरी है। वो अलग अलग बीमारियों के बारे में बताना शुरू कर देता है। दरअसल हेवर्ड वही बच्चा होता है जिसे उसकी माँ नहलाते समय बीमारियों के बारे में बताती थी। इसके बाद हेवर्ड की मूवी का सीन शूट हो रहा होता है जिसके लिए उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। इसके बाद हेवर्ड एक पार्टी में जाता है जहाँ पर बहुत सारे फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स आए होते हैं। उनमें से एक के पास हेवर्ड कैमरा मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। उल्टा हेवर्ड से कहता है कि तुम अपनी कमाई बैंक में इन्वेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारी मूवी कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खरीदेगा, पब्लिक तुम्हारी मूवी नहीं देखेगी और तुम्हारी दौलत उड़ जाएगी। हेवर्ड वहाँ से निकलता है और अपने असिस्टेंट के पास जाता है। वो असिस्टेंट वहाँ पर हेवर्ड को एक लड़की से मिलाता है जो कि बार में सिगरेट बेच रही होती है। वो लड़की हेवर्ड को अच्छी लगती है। इसके बाद हेवर्ड प्रोजेक्टर रूम में अपने टीम के साथ एक सीन देख रहा होता है जिसमें बहुत सारे प्लेन एक ही साथ उड़ रहे होते हैं। लेकिन ये सीन देखने के बाद हेवर्ड गुस्सा होता है क्योंकि वो सीन उसे अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि इन प्लेन के पीछे कोई स्थिर चीज चाहिए, तभी ये प्लेन अच्छे लगेंगे, वरना ये प्लेन तो खिलौने जैसे लग रहे हैं। और कहता है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को फोन करो और वहाँ से प्लेन बनाने वालों को बुलाओ। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर प्लेन बना रहे होते हैं। वहाँ का आदमी कहता है कि हमने बड़े रेडियल्स लगाए लेकिन ये पंख इसे सहन नहीं कर पाएंगे। हेवर्ड कहता है कि अगर इंजन का पावर ज्यादा होता है तो इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि 550 का एक वेस्ट इंजन लगा दो, हमें 700 हावर्स पावर देगा। ये सुनकर हेवर्ड खुश होता है। वो आदमी आगे बोलता है कि तुमने पहले ही एक प्लेन बनाने में 2,00,000 लगा दी है। इसके बाद हेवर्ड उस प्रोफेसर के पास जाता है जिसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से बुलाया है, लेकिन उसको आए हुए 8 महीने हो गए फिर भी उसने अपना काम पूरा नहीं किया। हेवर्ड उन्हें हटाता है और कहता है कि इन हवाई जहाजों को जमीन पर रखने के लिए हर दिन $5,271 खर्च करता हूँ और कहता है कि तुम्हें बादल ढूंढना पड़ेगा। वही हेवर्ड को मूवी स्टार्ट किए हुए 2 साल बीत गए हैं। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमें सभी बिल्स देने हैं, लेकिन हेवर्ड कहता है कि ये बिल्स देना बंद करो। तभी वहाँ पर प्रोफेसर खुशी से चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं कि मैंने बादल ढूंढ लिए हैं और बादल ऑकलैंड पर मंडरा रहे हैं। ये सुनकर हेवर्ड खुश होता है और सभी जहाजों को उड़ाने बोलता है। हेवर्ड को जैसे चाहिए था वैसे सभी प्लेन को एक साथ उड़ाया जाता है और वो सीन शूट करते हैं। आखिर 2 साल के बाद ये मूवी पूरी हो जाती है और वो दिन आता है जब मूवी पूरी हो जाती है। टीम के सभी लोग एक पार्टी मना रहे होते हैं। हेवर्ड और उसका असिस्टेंट एक तरफ जाते हैं और हेवर्ड कहता है कि लोगों को साइलेंट मूवी पसंद नहीं आती, उनको अच्छी फिल्म चाहिए और मुझे लगता है कि हेल्स एंजल की फिर से शूटिंग करनी चाहिए। दरअसल हेल्स एंजल की हेवर्ड के मूवी का नाम होता है और वो सारे सीन को फिर से शूट करते करते 1 साल बीत जाते हैं, मतलब हेल्स एंजल को शुरू किए 3 साल हो गए। हेवर्ड का असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारे हर दिन के 25,000 खर्च हो रहे हैं। आखिर में वो दिन आता है जब मूवी को रिलीज किया जाता है और वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने लोग आए होते हैं। वहाँ पर हेवर्ड और उसके साथ फिल्म की हीरोइन होती है। दरअसल ये हीरोइन वही होती है जो बार में सिगरेट बेच रही होती है। हेवर्ड थोड़ा घबराया होता है, लेकिन मूवी को देखने के बाद एक के बाद एक खड़े होकर हेवर्ड को बधाई देते हैं। सबको ये मूवी बहुत पसंद आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेवर्ड बादलों के बीच प्लेन में है। फिल्म स्टार केंट से मिलता है और उसे गोल्फ खेलने के लिए इन्वाइट करता है। दोनों गोल्फ खेलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और वो कहती है कि फिल्म होती है, असली जिंदगी नहीं, और पूछती है कि क्या तुम मुझे चाहने लगे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेवर्ड एक प्लेन के पास है और अपने टीम से कहता है कि एक काफी नहीं, प्लेन के बॉडी पर स्क्रू लगे है, उसे हटा दो, और कहता है कि हमें आसमान से ऊंचा उड़ना है। इसके बाद हेवर्ड और केंट एक बार में मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग उनके साथ उनके टेबल पर आते हैं और बात शुरू करते हैं, लेकिन हेवर्ड को पसंद नहीं आता। वो केंट को लेकर वहाँ से निकलता है। इसके बाद फिर से हेवर्ड वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर प्लेन बना रहे होते हैं और उसे एक बनाया हुआ प्लेन पसंद आता है और हेवर्ड उसे प्लेन की सैर के लिए निकलता है। उसे पहले ही बताया जाता है कि सिर्फ 2 चक्कर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा चक्कर लगाओगे तो तुम गिर जाओगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ने वाला प्लेन होता है। वो उड़ान भरता है। थोड़ी दूर जाने के बाद हेवर्ड देखता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया है और उसका प्लेन क्रैश होता है, लेकिन हेवर्ड को सिर्फ एक छोटी सी मोच आती है। इसके बाद हेवर्ड केंट के घर जाता है और उसे अपनी ऊंची उड़ान के बारे में बताता है। ये सुनकर केंट भी खुश होती है, लेकिन वो हेवर्ड की चोट देखती है और उस पर मलहम लगाती है। साथ ही बोलती है कि बाकी के लोगों को हमारे निजी जिंदगी में नहीं आने देना।
लेना है। इसके बाद हैवर्ड कहता है कि कभी कभी मुझे भी अजीब अजीब ख्याल आते हैं, ऐसे ही ख्याल जो उस असल में है ही नहीं। कभी कभी मैं डर जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद केंट कहती है कि मैं तुम्हें संभाल लूंगी। इसके बाद हैवर्ड TWA नाम के कंपनी को खरीद लेता है और बहुत मशहूर हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ाने वाला प्लेन बनाता है जिसकी मदद से पूरी दुनिया की सैर सिर्फ 4 दिनों में कर सकते थे। लेकिन इस वजह से अमेरिकी बड़े एयरलाइंस परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हैवर्ड की दूसरी मूवी रिलीज होने वाली है जहां वो केंट को साथ ले जाता है। वहां जाने के बाद केंट अपने पुराने दोस्तों के साथ बिजी हो जाती है। ये देखकर हैवर्ड को कुछ अजीब फीलिंग आती है। वो वहां से वॉशरूम में जाता है और अपने पॉकेट से साबुन निकाल के लगातार अपने हाथों पर रगड़ता है। इसके बाद केंट हैवर्ड को अपने घर लेके जाती है और उसे वहां पर अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताती है, अपनी फैमिली से मिलाती है। लेकिन हैवर्ड को केंट की फैमिली का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद हैवर्ड एक बड़े हॉल में आता है और एक मूवी देख रहा होता है। उसी के साथ एक बड़ा प्लेन बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और अपने साथियों को एक प्लेन का खेच दिखाता है और कहता है कि दुश्मन के हमले में हमारे बहुत सारे जहाज टूटते हैं और जब सेना को ऐसा जहाज चाहिए जो उन्हें यूरोप तक ले जाए। कहानी आगे बढ़ती है। हैवर्ड सेंसर बोर्ड मीटिंग रूम में पहुंचता है। दरअसल हैवर्ड एक वेस्टर्न मूवी बना रहा होता है जिसमें थोड़ा ऑड सीन होते हैं। इसके लिए हैवर्ड को बुलाया जाता है। एसोसिएशन का एक मेंबर कहता है कि हैवर्ड की मूवी में एक औरत को बदनाम किया है, इसलिए हम मूवी रिलीज नहीं करेंगे। तभी हैवर्ड आगे बोलता है कि मैंने ये सब सीन्स बाकी मूवी से लिए है और आपने इससे पहले ऐसी मूवी रिलीज की है, फिर मेरी क्यों नहीं। ये सब सुनने के और देखने के बाद सेंसर बोर्ड हैवर्ड को अनुमति देता है। हैवर्ड की मूवी रिलीज हो जाती है और इससे हैवर्ड को कामयाबी मिलती है। वही दूसरी ओर वो हर दिन अलग लड़की के साथ घूमता है और इस फोटोज अखबार में आने शुरू होती है। ये देखकर केंट हैवर्ड पर गुस्सा होती है और उसके साथ झगड़ा करके निकल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हैवर्ड को प्लेन बनाने में बहुत दिक्कतें आती है जो कि वो अपने देश के लिए बना रहा होता है। इसके बाद एक दिन हैवर्ड ब्रिटिश एयरलाइंस के कुछ लोगों से मिलता है और बातों बातों में अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें बताता है जो कि नहीं बतानी चाहिए थी। इसके बाद हैवर्ड एक लड़की को कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साथ रख लेता है और हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ बार में जाना शुरू कर देता है। एक दिन ऐसे ही वो एक लड़की को लेकर बार में जाता है, तब वहाँ पर हैवर्ड को ब्रिटिश एयरलाइंस के कुछ लोग मिलते हैं। उनसे बात करके वो गुस्सा हो जाते हैं, वॉशरूम की ओर जाते हैं जहाँ पर वो अपने पॉकेट से एक साबुन निकालता है और अपने हाथों पर रगड़ता है। दरअसल ये एक तरह की एक बीमारी है जिसमें इंसान को लगता है कि हर चीज पर गंदगी है और उसे छूने से बीमारी फैलती है। इसके बाद वो उस लड़की के साथ बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसको हैवर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था और वो बहुत तमाशा करती है। तभी वहाँ पर मीडिया भी आ जाती है। ये देखकर हैवर्ड परेशान हो जाता है। दूसरी ओर हैवर्ड की जीत होती है। ये देखकर ब्रिटिश एयरलाइंस हैवर्ड को बर्बाद करने का प्लान बनाती है। इसके बाद हैवर्ड वहाँ पर जाता है जहाँ पर अपना प्लेन बना रहा है जो उसका सपना है। यहाँ पर प्लेन के काम को लेकर बहुत सारी बातें होती है और उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें मूवी से ख्याल हटा के प्लेन की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक प्लेन बनाकर तैयार होगा तब तक जंग खत्म हो जाएगी। हैवर्ड प्लेन के काम को लेकर बहुत परेशान होता है और उसके असिस्टेंट से कहता है कि मुझे इस प्लेन की ब्लूप्रिंट दिखाओ। लेकिन हैवर्ड की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। वो एक ही शब्द को बार बार कहता है और वो वहां से अपनी कार में से निकल जाता है, थोड़ा रिलैक्स होता है। दूसरी तरफ हैवर्ड ने एवा से शादी कर ली है, लेकिन उन दोनों में हर दिन झगड़ा होता है। एक दिन वो हैवर्ड को छोड़कर निकल जाती है। इसके बाद हैवर्ड का एक और प्लेन बनाकर तैयार होता है और हैवर्ड उसकी टेस्ट ड्राइव के लिए जाता है। शुरुआत में उसे बहुत अच्छी लगती है, सब ठीक होता है, लेकिन हैवर्ड प्लेन को और ऊपर उड़ाता है और इंजन में खराबी आती है। वो नीचे गिरना शुरू होता है और एक घर के अंदर जाता है जिसकी वजह से हैवर्ड बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। थोड़ी देर के बाद अस्पताल में हैवर्ड से मिलने असिस्टेंट और एक साथी दोनों आते हैं। हैवर्ड उसी हालत में काम के बारे में डिस्कस करते हैं और वो बताते हैं कि एयरलाइंस ने हमारे प्रोजेक्ट रद्द कर दी है और हमें क्या करें। हैवर्ड कहता है कि फिर से काम शुरू करो। आगे असिस्टेंट कहता है कि पहले ही हमारे बहुत पैसे वेस्ट हो गए हैं। लेकिन हैवर्ड कहता है कि उसी की चिंता मत करो और फिर से वो प्लेन का काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हैवर्ड ठीक हो जाता है और काम पे लगता है। प्लेन बनाने के लिए हैवर्ड ने बहुत कर्ज लिए है और इसका फायदा उठा के ब्रिटिश एयरलाइंस हैवर्ड के घर पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद ब्रिटिश एयरलाइंस का चेयरमैन हैवर्ड को डिनर के लिए बुलाता है, काम रोकने को कहता है, लेकिन हैवर्ड मना कर देता है। इस सब के बीच में हैवर्ड डिप्रेशन में आ जाता है और खुद को एक कमरे में लॉक कर लेता है। इसके बाद वो किसी से नहीं मिलता, किसी से फोन पर कॉल नहीं लेता, कमरे से बाहर नहीं आता और बाहर के किसी को अंदर नहीं आने देता। यहाँ तक कि वो अपनी वॉशरूम भी बोतलों में करता है और कमरे में अपने सारे कपड़े उतार के बैठता है। एक दिन केंट हैवर्ड से मिलने आती है, लेकिन वो मना कर देता है और वो निकल जाती है। इसके बाद युवान नाम का एक आदमी हैवर्ड से मिलने आता है, लेकिन वो मना कर देता है और उसके
के साथ बाहर ही मीटिंग करता है। वो आदमी कहता है कि TWA कंपनी को हमें बेच दो ताकि बैंक का कर्ज चुका सको, लेकिन हेवर्ड मना कर देता है और युवान वहां से निकल जाता है। जाते जाते हेवर्ड के असिस्टेंट से कहता है कि सिर्फ 3 दिन है, हेवर्ड को बचा सकते हो तो बचा लो। बाद में एक दिन एवा यानी कि हेवर्ड की पत्नी उसे मिलने आती है, हेवर्ड से भी उससे मिलता है, लेकिन उसके रूम की हालत देखकर एवा हैरान हो जाती है। एवा हेवर्ड की शेविंग भी करती है क्योंकि वो बहुत दिनों से रूम के बाहर नहीं आया। इसके बाद वो हेवर्ड को कपड़े पहनने बोलती है, वो तैयार होता है। आखिर वो दिन आता है जब हेवर्ड को बैंक के चेयरमैन के सामने पेश किया जाता है और उसके साथ हेवर्ड का असिस्टेंट भी होता है। बैंक के लोग हेवर्ड से कुछ सवाल पूछते हैं। इससे पहले हेवर्ड का असिस्टेंट कहता है कि हेवर्ड को कुछ बोलना है। इसके बाद हेवर्ड कहता है कि आप दूसरी एयरलाइंस के दबाव में मुझ पर केस लगा रहे हैं, लेकिन बैंक के लोग हेवर्ड पे इल्जाम लगाते हैं कि तुमने बैंक के करीब 500 करोड़ से ज्यादा पैसे ले लिए है, किसी भी प्लेन की डिलीवरी नहीं दी। लेकिन हेवर्ड कहता है कि इस प्रोजेक्ट में मैंने भी बहुत पैसे लगा रखे है, लेकिन मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करता, मुझे प्लेन से प्यार है इसलिए करता हूँ। मिस्टर युवान मिलने आए थे, TWA बेचूंगा तो इन्वेस्टिगेशन रोक दूंगा, ऐसे भी बोल रहे थे। हेवर्ड बैंक के लोगों के सामने रखता है और आगे बोलता है कि मैं जो जहाज बना रहा हूँ उसका नाम हरकुलस और ये दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा उड़ने वाला प्लेन होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये देश छोड़ दूंगा। इतना बोल के हेवर्ड वहां से निकलता है। इन सब दिनों में हरकुलस भी बनने तैयार होता है और हेवर्ड उसी टेस्ट ड्राइव के लिए जाता है। वो लेकिन पहले ही सबसे कहता है कि अब ये हवा में नहीं उड़ेगा बल्कि पानी में चलेगी, जब ये उड़ने के लिए तैयार होगी तभी हवा में उड़ेगी। अब उस जहाज में हेवर्ड के साथ उसका असिस्टेंट और भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब हेवर्ड हरकुलस को समंदर में चलाता है, जब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ाता है, जब उसकी प्लेन की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है तब उसे हवा में उड़ाता है। इसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन हवा में उड़ाता है, ये देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। इसके साथ हेवर्ड फिर से एक बार कामयाब हो जाता है और सारे उसे बधाई देते हैं। इसके बाद हेवर्ड इस खुशी से सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखता है और उस पार्टी में हेवर्ड के कम्युनिकेटर्स भी आए होते हैं। पार्टी में हेवर्ड अपने असिस्टेंट और एक साथी के साथ एक जेट के बारे में डिस्कस कर रहा होते है, लेकिन अपने कम्युनिकेटर्स को देखकर हेवर्ड एक ही बात को दोहराता है, यही भविष्य है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है। ये देख के हेवर्ड के साथी उसे कमरे में ले जाते हैं। हेवर्ड को कमरे में अपने बचपन के दिन याद आते हैं और वो माँ की बातों को याद करता है। इसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है।